नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आपका स्वागत है मिर्जापुर किचन में। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनाने बताऊंगी बिना तेल और घी के, कम समय में। और जब भी कभी कुछ मीठा कुछ खट्टा खाने का दिल करे तो झटझट इसे बना के खा सकते हैं आप। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और उसमें पानी डाला है एक कप के करीब और गैस जला के रख दूंगी इसे। और अब जब भी हमारा ये पैन में पानी गर्म होने लगेगा तो इसमें चीनी डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच हम चीनी डालेंगे। तो मुझे लगता है मेरा ये वीडियो वायरल होना चाहिए, आप सपोर्ट कर देना। तो हम इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे, ड्राई मैंगो पाउडर भी इसको बोलते हैं। तो मैंने 2.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर इसमें डाला है। ये बॉयल होने लग गया, चम्मच से दबा देंगे ताकि इसमें लम्स जो हों वो अच्छे से मैश हो जाएं। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी और डाल दूंगी क्योंकि ये थोड़ा खट्टा था, मैंने पहले ही टेस्ट करके देख लिया था। तो ये हमारा चटनी बन के तैयार हो गया है, ड्राई मैंगो पाउडर की चटनी, कुछ इसी टाइप से लिसलिसा होगा तो ये बन जाएगा हमारा। अब हम इसको निकाल के कटोरी में रख देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और मैंने दही लिया है और मैंने नारियल का चूरा भी ले लिया है और ये किशमिश से लिया, 15 से 20 किशमिश। मैंने 4 बेट के स्लाइस ले लिया है। अब हम इससे दही बड़े बनाने बताएंगे, खट्टे मीठे दही बड़े। तो मैंने ब्रेड को पानी में डिप कर दिया है और फिर इसको हम अपने हाथों से, दोनों हाथों से दबा दबा के सारा एक्स्ट्रा पानी इसमें निकाल लेंगे। तो आप ये बताइए कि आपको ब्रेड के दही बड़े ज़्यादा पसंद है कि उड़द के दाल के, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। तो फिर हम इसमें नारियल का चूरा भर देंगे और 2 किशमिश इसमें डाल देंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आप कुछ और ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल देंगे। और इसको इस तरह से लपेटेंगे, पहले अच्छे से गोल बनाएंगे और फिर ऐसे दबा के जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल लेंगे आप इसमें। और इसको दबा दबा के इसको राउंड शेप में लड्डू के साइज, नारियल के लड्डू टाइप बनाने हैं मुझे। तो फिर ऐसे मैंने लड्डू की तरह इसको बनाया गोल गोल करके। तो ये अब हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए, ठीक है। क्योंकि ये दही बड़ा है तो इसलिए इसको बड़ा बोलेंगे हम। तो कुछ इस तरह हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको रख दिया है। तो जो हम इसके लड्डू बनाए हैं, वड़े बनाए हैं, ये उसको हम फ्रिज में रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि थोड़े हार्ड और सेट हो जाएं। अब हम इसमें दही डालेंगे, दही मैश की हुई रखी थी मैंने, तो 3 से 4 चम्मच इसमें दही आराम से हम डालेंगे। पूरे वड़े में आराम से दही फैल जाए इस तरह हम इसमें दही फैलाएंगे। अब जो हमने इसमें चटनी बनाई थी वही चटनी गिराएंगे इसमें ऊपर से, 2 से 3 चम्मच हम आराम से डालेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल देखने में आइसक्रीम लग रहा है। तो फिर इस तरह से मिला दिया है मैंने इसमें चटनी। अब इसमें हम थोड़ा सा भुना पीसा जीरा पाउडर डालेंगे, ये आप फ्रेश फ्रेश डालिएगा, भुना तुरंत भून के पीस के। और इसमें हम काला नमक भी थोड़ा सा चुटकी भर छिड़क देंगे। तो अब यह हमारा, इसके बाद हम इसमें नारियल का चूरा भी छिड़क देंगे, नारियल का बुरादा है, नारियल किसा हुआ, इसमें अच्छे से गार्निश कर देंगे। और हम इसमें एक एक किशमिश दोनों पे रख देंगे। आप चाहे इस रखिए, चाहे इसको बेड़े पे रखिए, जैसा मन आप इसे सजा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं इसके साथ। आपके दोस्त आए हों, मन हो खाने का, तो आप फटाफट बना सकते हैं। तो ये हमारा ठंडा टेस्टी दही वड़ा बन के तैयार हो गया है। और आप खाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल उड़द की दाल वाला दही वड़ा भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी होता है, हेल्दी भी होता है, पौष्टिक होता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। तो यार मेरा नया चैनल, आप इसको सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो। और कोई आपका सुझाव हो, कोई सुधार की ज़रूरत हो तो उसे कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, बाय बाय।